हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और मैं आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द टेक ट्रैवलर में। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सबकी हेल्प से, आप सबके सपोर्ट ने हमें आज 250 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया है और हमारे चैनल पे नियर अबाउट 10,000 व्यूज़ पूरे होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपना ये सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हम और आगे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए दे पाएँ। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो आज के सीज़न के हिसाब से है। ये वाला सीज़न नहीं, सीज़न वो वाला है कि 5G का मौसम चल रहा है, 5G आने वाला है और बहुत प्रॉबेबल उम्मीद है कि इस देश में जो बहुत दिन से लटका हुआ है, और बहुत प्रॉबेबल है कि हमारे यहाँ 5G इस साल लॉन्च हो जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना 15,000 से 20,000 की बजट रेंज में हम आपके लिए 5 ऐसे स्मार्टफोन्स खोज के निकालें जो 5G के साथ साथ आपको बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस, कैमराज, गेमिंग और सारी चीज़ें इस बजट में कवर अप कर सकें और आपको दे सकें। तो चलिए दोस्तों, हमने ये लिस्ट बनाई बड़ी मेहनत से। आपको हमारी लिस्ट कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो एक लाइक का बटन होगा, उसे ज़रूर दबाइएगा। चैनल पे पहुंचेंगे, सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे ज़रूर दबाइएगा। उसके बगल में उसका छोटा भाई बेल नोटिफिकेशन आइकन वाला बटन रहता है, उसे भी ज़रूर दबाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले पांचवें नंबर पे जो स्मार्टफोन हम निकाल के लाए हैं वो है Vivo T1 5G। ये स्मार्टफोन आपको 15,990 में मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो ये फ़ोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, जो कि इस रेंज में हमारे पास कोई भी फ़ोन आएगा वो प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आएगा। और इसका एक बॉक्सी डिज़ाइन है, जो कि आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है। लगभग बहुत सारे स्मार्टफोन्स हमें बॉक्सी डिज़ाइन में दे रहे हैं। और इसके पीछे मैट फिनिश है, जो कि फिंगरप्रिंट कम लेता है, आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें आपको बैक साइड में ब्यूटीफुल ब्लू और ऑरेंज में ग्लिटरिंग शेड्स मिल जाते हैं। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, एक वेलवेटी और स्मूथ फिनिश में है। पीछे स्क्वायर्ड अप कैमरा मॉड्यूल आपको इस फोन में मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये फ़ोन सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन है इस रेंज में, 8.25 mm इसकी थिकनेस है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। इस फ़ोन के डिस्प्ले में आपको 6.58 इंच का बड़ा LCD फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। और इस डिस्प्ले में आपको 240Hz की टच सैम्पलिंग मिल जाती है, जो कि आपके गेमिंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर करने वाली है। डिस्प्ले में वाटर ड्रॉप नॉच है, बड़े बेजल्स हैं थोड़ा, जो कि शायद आपको अच्छे नहीं लग सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही इसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, जो कि HDR कंटेंट सपोर्ट करता है। इस फोन के प्रोसेसर और गेमिंग की बात करें तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 का लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है और LPDDR4X रैम मिल जाती है, जो कि इस फोन की स्पीड को बढ़ा देती है। इस फोन में आप BGMI, HD और हाई फ्रेम रेट की सेटिंग पे खेल सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा की। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल रियर साइड में मिलता है और फ्रंट में एक सिंगल 16 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। रियर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें 50 megapixel का मेन कैमरा है और इसके साथ ही 2 megapixel का डेप्थ सेंसर है और 2 megapixel का मैक्रो कैमरा। और कंपनी ने क्लेम किया है कि कंपनी इसमें आपको OIS देती है, तो जाहिर सी बात है आपकी फोटोग्राफी का और वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। बैटरी की जहां तक बात है तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 18W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो कि थोड़ा स्लो है। हालांकि 110 मिनट में 1 घंटे 40 मिनट में फ़ोन आपका फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर 33W या 60W का चार्जर आज की डेट में देते तो और अच्छा होता। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें एंड्रॉयड 11 मिल जाता है और इसके साथ ही इसमें आपको डुअल बैंड 5G सपोर्ट्स मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे फ़ोन की तरफ। हमारा दूसरा फ़ोन है रेडमी नोट 11T 5G। इस फोन में भी आपको 6.6 इंच की भी स्क्रीन वाला ये फ़ोन 195 ग्राम का है। इसमें साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है लॉक बटन पे। प्लास्टिक बिल्ड है, हल्की बॉडी है, बहुत वेट नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें MI का एज यूजुअल IR ब्लास्टर मिल जाता है, 3.5 mm जैक मिल जाता है, नीचे आपको USB-C टाइप पोर्ट मिल जाता है और इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। इस फोन के डिस्प्ले में आपको मिलता है 6.6 इंच का बड़ा 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जिसमें पंच होल कैमरा है और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 810, जो कि 6 nm बेस्ड है और 2.4 GHz की स्पीड पे क्लॉक्ड है। इसके साथ ही स्टोरेज मेमोरी में आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB। इन सब के साथ ही 8GB तक की रैम को और 6GB की रैम को भी आप चाहें तो इसके रैम एक्सटेंशन फीचर के थ्रू 3GB और एक्सटेंड कर सकते हैं। जहां तक इस फोन की स्पीड की बात है तो इसमें भी आपको UFS 2.2 का स्टोरेज और LPDDR4X रैम मिलती है, जो कि इस फोन की स्पीड को काफ़ी अच्छा रखती है। आपको डे टू डे लाइफ में कोई इशू नहीं आने वाला। कैमरे की बात कर लें तो कैमरे में हमको रियर साइड में 2 कैमरा मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर।
सेंसर जो कि आपको डेलाइट में काफ़ी अच्छी फोटोज़ दे सकते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी और इन दोनों पे आप 1080p 30fps तक की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बैटरी आपको इस फ़ोन में 5000mAh की मिल जाती है जो कि आपको दिन भर के लिए सफिशियंट रहेगी। इसके साथ ही क्विक चार्जिंग के लिए 33W का चार्जर भी इस फ़ोन में आपको मिलता है जो कि एक घंटे के अंदर आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए कैपेबल है। बाकी इसके 5G बैंड्स की बात करें तो इसमें डुअल 5G बैंड्स का सपोर्ट है और आपको 7 5G बैंड्स इस फ़ोन में मिल जाते हैं। ये फ़ोन आपको 16,990 रुपये की प्राइस में मिल जाता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हमारे पास जो फ़ोन है वो है Realme 8S 5G। ये फ़ोन आपको 17,990 रुपये में ऑनलाइन अवेलेबल है। ये फ़ोन 6.5 इंच की बड़ी बॉडी के साथ आता है और इस फ़ोन में भी आपको मैट फिनिश मिल जाता है। प्लास्टिक बिल्ड है एज यूजल जो इस बजट में आपको लगभग सारे फ़ोन्स में मिलने वाली है। मैट फिनिश है तो इसलिए फिंगरप्रिंट्स कम लगते हैं। इसके अलावा कलर्स बहुत खूबसूरत हैं। डुअल दो कलर्स मिल जाते हैं आपको, इनमें दो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। इस फोन में आपको फुल HD प्लस IPS LCD 90Hz रिफ्रेश रेट वाला पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले मिलता है जिसकी ब्राइटनेस है 600 निट्स मैक्सिमम पे और इसमें आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है जो कि गेमिंग में आपका एक्सपीरियंस और स्मूथ कर देगा। प्रोसेसर और गेमिंग की बात करें तो इस फोन में भी आपको 810 MediaTek Dimensity प्रोसेसर मिलता है और इसमें आपको दो वेरियंट्स मिल जाते हैं 6GB 128GB 8GB 128GB। इसके साथ ही इस फोन में भी आपको वर्चुअल रैम का फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी रैम 3GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फोन में BGMI SD सेटिंग पे हाई ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं। इस फोन के कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो इस फोन में आपको रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। आप इस फोन में फुल HD पर 30fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये फोन का कैमरा आपको 20x जूम सपोर्ट करता है। जहाँ तक इस फोन की बैटरी की बात है तो इस फोन में भी आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो आपको पूरे दिन इजीली सर्वाइव करा सकती है और साथ ही जल्दी चार्ज करने के लिए 33W का चार्जर भी मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इस फोन में आपको डुअल 5G के सपोर्ट के साथ ही 5 5G बैंड्स भी मिलते हैं। ये फोन एंड्रॉयड 11 पे रियलमी UI 2.0 के साथ आता है। दोस्तों अब हमारे जो टॉप बेस्ट फोन्स हैं दो उसमें से पहला फ़ोन हमारे पास है वो है Moto G71। इस फ़ोन को चूज़ करने का सबसे पहला रीज़न ये था कि इस फ़ोन में हमको नियर स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है। ये फ़ोन हमें ऑनलाइन 18,990 की प्राइस में मिल जाता है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिसकी प्राइस और ज़्यादा हो सकती है लेकिन हम बेस वेरिएंट की बात करेंगे जो 18,990 में हमें अवेलेबल है। ये फ़ोन भी हमें प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है, इसमें दो कलर हमें मिल जाते हैं। इसके साथ ही बैक में मैट फिनिश है जो कि बहुत स्मूथ है, फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते हैं जिसकी वजह से अच्छा लगता है फ़ोन। अगर आप बिना कवर के यूज़ करेंगे तो फ़ोन जल्दी आपको गंदा अपने फिंगरप्रिंट्स की वजह से नहीं लगेगा। हालांकि जहां तक इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात है तो हमें इसमें रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि थोड़ा सा ऊपर और नीचे होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता होल्ड करने में, लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है, अच्छा है। इसके साथ ही हमें इस फोन में एक साइड में वॉल्यूम बटन मिल जाता है, दूसरी साइड में ठीक अपोजिट साइड में पावर बटन मिल जाता है और इसमें हमें एक मिलता है गूगल असिस्टेंट डेडिकेटेड बटन। इस फोन में सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर मिलता तो अच्छा होता लेकिन इसका सिंगल स्पीकर भी काफ़ी लाउड है। जहां तक इस फोन के डिस्प्ले की बात है तो इस फोन में हमको 6.4 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है जिसका रिफ्रेश रेट है 60Hz, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है 700 निट्स और इसके साथ ही इसमें हमको DCI-P3 का सपोर्ट मिलता है और मैक्स विजन मिलता है। जहां तक इस फोन के प्रोसेसर्स की बात है तो इस फोन में भी हमको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है और इसमें हमको मिलता है 6GB 8GB के दो वेरिएंट्स 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके अलावा हमें इसमें LPDDR4X रैम मिल जाती है जो कि इस फोन की स्पीड को काफ़ी बढ़ा देती है। इस फोन में हमें Adreno 619 GPU मिलता है जिसमें हम BGMI HD और हाई ग्राफिक्स के साथ खेल सकते हैं। इस फोन के कैमरा मॉड्यूल में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है सेल्फी के लिए। इसका कैमरा हमें फुल HD में 30fps तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इस फोन में हमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W का टर्बो चार्जर मिल जाता है जो कि इस फोन को 3% से 100% तक सिर्फ 45 मिनट में चार्ज करने का क्लेम कंपनी करती है। इसके अलावा AMOLED है तो जाहिर सी बात है बैटरी कम खाएगा। अगर बैंड्स की इस फोन में मिलने वाले 5G बैंड्स की बात है तो इस फोन में हमें बोरा भर के 5G बैंड्स मिलते हैं 13, उसमें कंपनी ने कोई कंजूसी नहीं की है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पांचवें फोन की जो हमारी लिस्ट में टॉप पे है, यानी हमारा नंबर वन फोन है, वो है IQ Z3। ये फोन आपको 19,990 में अवेलेबल है। इस फोन के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 6.5 इंच का ये फोन एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। प्लास्टिक बैक और फ्रेम है, मैट फिनिश है जो कि फिंगरप्रिंट्स नहीं लगने देती। इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, 3.5mm जैक मिल जाता है, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, स्पीकर मिलता है। डिस्प्ले में जहां तक हम बात करें तो डिस्प्ले में हमें मिलता है 6.5 इंच का IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। इस फोन का डिस्प्ले रीइंफोर्स्ड पांडा ग्लास के साथ आता है और इसमें हमें HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाता है।
तो दोस्तों आप बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। इस फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन 768G का प्रोसेसर मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इस फोन में हमें 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 6GB 128GB 8GB 128GB और 8GB 256GB। इसके अलावा इस फोन में हमें 1TB SD कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरास की। तो फ्रंट साइड में हमें सिंगल कैमरा मिलता है और रियर साइड में हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल। फ्रंट साइड का कैमरा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और रियर साइड में हमको मिलते हैं 3 कैमरे, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है हमें। फ्रंट कैमरा हमें फुल HD में 30 FPS की रिकॉर्डिंग दे सकता है और रियर कैमरा हमें 4K में 30 FPS की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देता है। अब इस फोन की बैटरी की बात करते हैं। इस फोन में हमें 4400 mAh की बैटरी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ ही मिलता है हमें 55 वाट का काफ़ी फास्ट चार्जर। और इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस फोन में हमें एंड्रॉयड 11 मिलता है जो कि फन टच ओएस के साथ आता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो स्किन हैवी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हमें नियर स्टॉक एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों ये रही हमारे 5 बजट सेगमेंट के 5G स्मार्टफोन्स की लिस्ट। आपको इसमें से कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप किस फ़ोन को प्रेफर करेंगे, आपका बजट सेगमेंट क्या है, आप क्या इस लिस्ट से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी लिस्ट कैसी लगी, हमारी चॉइसेस कैसी लगी, अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि अगर आप हमें बताएंगे, आप हमें फीडबैक देंगे, तभी हम आगे और बेहतरीन वीडियोस इंप्रूव करके आपके लिए बना पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अब आप यहाँ आए हैं, वीडियो आपने देख ली, इतनी मेहनत कर दी तो एक थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। आपका जो व्यू है हमारे वीडियो के लिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताइए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आज भी 90% हमारे व्यूअर्स जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो बिना सब्सक्राइब के निकल जाते हैं। भाई लोग ऐसे कैसे चले गए यार, आप हमें सब्सक्राइब करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तभी हम और मोटिवेट होंगे आपको और बेहतरीन वीडियोज़ देने के लिए। कोशिश हम तब भी करेंगे, लेकिन प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आगे बने रहिएगा और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।